ले भैया, हम आए गए हमारे गांव में पानी वाली टंकी पे। बहुत बच्चे इस पर चढ़ चुके हैं पर हम ही नहीं चढ़ पाए इस पर। आज हम चढ़ेंगे, आओ जो भी चलें। ले भैया, हम आए गए अपनी पानी वाली टंकी पे और भाई हाँ चढ़ गई यार मेरा भाई। ऊपर आते आते जो दिख रहा है अपना गांव पूरा हरायपुर, ये अपना बाग है। कितना बढ़िया रहा, ये अपने काऊ उड़ रहे हैं इधर। अपने काऊ हैं जब अपने गाँव में हैं तो। इधर धूप पड़ रही है फिर भी बहुत बढ़िया तरीके से वीडियो आ रही है। दो टावर लगे हैं हमारे, एयरटेल और जियो। और ये पानी वाली टंकी है, पूरा किनारा किनारा घुमा के लाऊं। ये इसका पूरा किनारा किनारा है भाई मेरे। इधर रहा ये बाग पूरा। और गेहूं का तो बहुत ही बड़ा रकबा है यहाँ पर। गेहूं के बारे में एक वीडियो बना के पहले भी डाल चुका हूँ। जिधर भी जाएंगे सब गोल्डन गोल्डन दिखाई दे रहा है, सिर्फ गोल्डन गोल्डन। ये अपनी पानी वाली टंकी इधर जो दिखाई दे रहा है, ये उदयपुर है। ये हमारे गांव के पास में छोटा सा गांव, छोटा सा नहीं बड़ा गांव है हमारे पीलीभीत क्षेत्र में। पीलीभीत एरिया में बड़ा गाँव है उदयपुर, हमारा गाँव भी छोटा है इससे। ये पीछे का रकबा इधर तुरकुनिया साइड है, तुरकुनिया नज़ीर गेहूँ लगे हैं। और सबसे बढ़िया तो हमें लग रहा है हमारा गाँव वी आई पी एकदम बिल्कुल बिंदास। अरे यार भीम भाई, एक चीज ये तो देखो कि मतलब गांव की क्लियरिटी कितनी अच्छी आ रही है। गांव की क्लियरिटी अच्छी आ रही है। ये भाई पानी वाली टंकी पर खड़े हैं, मेरा घर दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी है, इनसे सबके घर दिख जाएंगे। ये पानी की टंकी है ना हर रायपुर में, दिखाई दे रहा है सामने। हाँ ये पानी ना कोई खास ज्यादा बड़ा गाँव ना अपना यार, जब भी गांव को देखे सही है, बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल देखने में छोटा ही लग रहा है गांव। देखियो कितना वीआईपी है, वीआईपी यार, यहाँ वीआईपी है थोड़ी। अब और वीआईपी आवे थोड़ी क्लैरिटी, और क्लैरिटी बढ़ गई, क्लैरिटी बढ़ जाएगी। लग कितना वीआईपी रहा यार भीम भाई। ये बैठे हैं भाई पान, हाँ और भाई लोगों, मैं आपको ये भी समझा दिखा दूँ कि एक हमारे हिंद तलैया भी है, वो दिख रही है वहाँ पे। ये मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ये दिख रही है, ये तलैया है हमारे यहाँ की, बहुत फेमस तलैया है। शाम को 5 बजे से कम 8 बजे लोग यहीं पे मिलेंगे आपको। मिलेंगे एक मिनट दिला, बड़ा मुझे चाहिए। नीचे रुक जाएगा, नीचे नीचे जाओ, नीचे जाऊँ मैं नीचे। खेत कितना प्यारा लग रहा है, बढ़िया ना एकदम, कभी गोल्डन गोल्डन था। हाँ और हवा चल लग रही है बिंदास। नीचे का दिखाओ, नीचे का, ये नीचे का एरिया देखो भाई, ये देखो फसल बढ़िया बिल्कुल रेडी, कितने बढ़िया लग रही है गेहूँ की फसल लग रही है। देख लाइन बाई लाइन जो भी, अरे मशीन वशीन सब वो हुआ है। जब गेहूँ की फसल की बात करिए तो भाई थोड़ा और ध्यान दियो, इस तरीके के जो खंभे खंभे गेहूँ में खड़े हैं, जो गेहूँ पकने वाले हैं, उन खंभों के पास में थोड़ी सफाई सफाई कर दो। क्योंकि भाई हर साल हजारों एकड़ के हिसाब से गेहूँ चल जाता है और ज़्यादातर उसमें लेट का योगदान रहता है गेहूँ को तबाह करने में। तो जो अपने अपने खेतों में जो खंभे हैं जिन भाइयों के, उन खंभों के पास में थोड़ी सफाई सफाई करके और कर दो उसमें। भाई चौधरी दिखा दो, इसमें तुम्हारी भलाई है। चौधरी चौधरी ले, चौधरी चलो डर है कोई। नीचे का भी दिखाओ, नहीं नीचे का भी दिखाएं। अरे मेरा भैया देखो ऊंचाई, देख तो ऊंचाई, पर मुझे भाई ऊंचाई से डर नहीं लगता क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े झूले खा चुका हूँ। और ज़्यादातर जो मेलों मेलों में या रामलीलों में जो झूले आते हैं, ज़्यादातर बड़े झूले होते हैं और मैं वो बड़े झूले खाता हूँ, मुझे ऊंचाई से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वैसे मैं आना तो नहीं चाहता था, टंकी तो हमारे यहाँ 1 साल पुरानी हो गई, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया इसको बने हुए। तो फिर आज अचानक बाय बाय कर रहा है, देखो आज अचानक उधर कोई लड़का हाथ दिला रहा था, वो देखो आज अचानक लड़का बोला चलो यार चलते हैं भाई भाई पानी की टंकी पर। मैं बोला वीडियो वीडियो लाते हैं बना, चलो चलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ भी चल रहे हैं फिर। आओ चल रहे हैं, उधर तो भी दिखाई दे रहे हैं, क्या परेशानी है, ले पूरी बना ले रहे हैं। देखो सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ देखो, सीढ़ियाँ देखो, सीढ़ियाँ देखो, ऊँचाई। और अभी हम कहाँ बैठे थे, अभी हम बैठे थे यहाँ इसके ऊपर भाई, इसके नीचे पूरा पानी पानी भरा है और इसके चारों तरफ से भी अगर घूमना चाहो तो घूम सकते, तो चारों तरफ का भी बना रखा है घूमने का। और ये बाग है हमारे यहाँ, पहले इसमें घर घूर नहीं थे, अब तो कुछ घर घूर भी बन गए, इधर कुछ घर बन गए
और टोटल इसमें कॉलोनी कट गई है, घर ही बनने वाले हैं। हाँ, इसका मैं नाम भी भूल गया, कौन सा बाग बोलते हैं इसे? नौदा बाग। हाँ शायद नौदा बाग बोलते हैं। अब हम लोग आ गए इधर छाई में, इधर से देखो भाई नज़ारा VIP। ये नीचे की जगह है, ये रास्ता उदयपुर को गया, उदयपुर जा रहा था इधर रास्ता ये, और ये कच्चा ही रास्ता है, खैर कच्चा तो नहीं, इस पर पत्थर तो बिछा है, पहले कच्चा था ये, पानी वूनी में दिक्कत हो जाती थी। उधर बच्चे शायद बकरी चुंगा रहे हैं, ये बच्चे बकरी चुंगा रहे हैं। हेलो बच्चे, क्या हाल है, क्या कर रहे हो, बकरी चुंगा रहे हो? अच्छा चलो चुंगाओ चुंगाओ, अच्छी बात है। देखो भाई हमारे प्लेन एरिया ऐसा होता है, प्लेन एरिया बिल्कुल एक तरफ से प्योर गोल्ड खड़ा है, बिल्कुल प्योर गोल्ड। देखो ये खंभे जो हैं, बत्ती के पोल हैं, इनके पास मैं कह रहा था किसान भाई इनका ज़्यादा ध्यान रखें, इनके पास में साफ सफाई कर दें तो बहुत बढ़िया बात है, हज़ारों एकड़ गेहूँ जल जाता है। और ये रकबा बिल्कुल अभी तैयार होने वाला, अभी थोड़ी नमी है, थोड़े दिनों के बाद ये वन वीक के बाद बिल्कुल रेडी हो जाएगा, कटना चालू हो जाएगा, पहली तारीख से, पहली से नहीं तो 2, 3, 4, 5 से कटना चालू हो जाता है और 15 तारीख तक सब खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा कटाई होती है। फिर बढ़िया करके वीडियो बना, फिर बाद में दिखाएंगे, फिर जब कटाई वटाई होगी बाद में दिखाएंगे। अभी तो हम भारी टंकी पर घूमने आए थे, टंकी भी घूम लिया, ये हमारे यहाँ का बाग है, नीचे इसमें कुछ बर्फीन बुर्तीन वो रखी है, बर्फीन वही है, हाँ जानवरों के लिए बर्फीन बुर्तीन लगा रखी है। चलो अब नीचे चलते हैं, नीचे का दिखाओ, बढ़िया है नीचे का, और भी चलो थोड़ा नीचे का दिखा देते हैं, अभी चलते हैं नीचे, वीडियो बना के थोड़ा नीचे का दिखा दो, इधर को डालो, किधर को, इधर को ऊपर को, अरे ऊपर को डालो ना, ये देखो भाई आ गए नीचे, आ गए नीचे, कितनी भी ऊपर था अगर इससे भी डबल होती ना जो भी, तो भी अपना ऊंचाई से डर नहीं लगता ना, मुझे भी डर, मैं यार काम करा हुआ है भाई, गोवा में काम करा मैंने, अपना असल पूछो ना, टीन सेट के से लड़ा था, हाँ टीन सेटों का काम करा हुआ है, नीचे आ चुके हैं भाई, एक आज जीना और रह गया, एक जगह गया लास्ट नीचे वाला रह गया, किधर कीजिए ये पिलर हैं, अभी हम लोग वो बैठे थे वहाँ चोटी पे, इसके भी ऊपर बहुत बड़ी है, अभी हम नीचे खड़े हैं सर, इधर से गया, चलो फिर किधर से चलाओ, ये देखो भाई यहाँ से ये उतर रहे हैं, ये ताला लगा है वहाँ पे, ये देखो ये भी उतर गए, अब मैं भी जा रहा हूँ नीचे, मैं भी नीचे जा रहा हूँ भाई को फोन देने, ये हाँ कूद गया नीचे की स्थिति कुछ ऐसी है, बर्फी लगा रखी है उन्होंने, जो यहाँ पर रहते हैं वो हमारे पास के गांव के जठनिया के हैं शायद, जिनके अंडर में है ये, हम लोग भी दीवार कूद कहाँ हैं, क्योंकि हमारे गाँव का हम जानते भी हैं उनको, हम लोग दीवार कूद कहाँ हैं, ऐसी कोई समस्या वाली बात भी नहीं है, इस समय ताला पड़ा है और अभी पानी की लाइन चालू भी नहीं हुई है गांव में, ये पानी वाली टंकी लगी है, ये देखो भाई कितनी ऊंची है। चलो अब हम बाहर निकलते हैं, इधर तो ताला पड़ा है, इस वाले गेट से हम लोग निकलेंगे।